नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव। आज हम देख रहे हैं टाटा एल्ट्रॉज। टाटा एल्ट्रॉज का आप एग्जैक्ट वेरिएंट देख रहे हो ICNG के अंदर। 9,59,900 एक्शन प्राइस आ जाते हैं इसके हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। बाकी स्टेट वाइज प्राइस वेरी करते हैं, कौन सी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो। व्हाइट कलर के अंदर है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। 26 पॉइंट समथिंग इसकी कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है अकॉर्डिंग टू ARI। इसमें हमें डुअल CNG सिलेंडर मिलते हैं 30-30 लीटर वाटर कैपेसिटी के। उसी के साथ फीचर्स अपडेट बताऊं कि क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या क्या इसमें हमें ऑफर कर रही है टाटा एग्जैक्ट वेरिएंट के अंदर 2024 में आके। तो बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो स्टार्ट करेंगे फ्रंट से। यहाँ में रेन सेंसरिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, 2 वाइपर विद वॉशर, ये रेन सेंसरिंग मिलेंगे। CNG की बैजिंग मिलेगी, स्टिकर मिलेगा फ्रंट विंडशील्ड पे भी और रियर पे भी। नॉर्मल एंटीना मिलेगा, कोई रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलते। कुछ इस तरह से बोनट भी आएगा। टाटा की ग्रिल कुछ इस तरह से मिलेगी, ग्लोसी ब्लैक, बीच में टाटा का लोगो और नीचे गार्निश बीटिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको लो बीम के लिए हाइलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर मिलेगा, हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस्ड हाइलोजन हेडलैम्प यूनिट मिलेगी। इंडिकेटर DRLs, यहाँ पे आपका फॉग लैम्प, ये भी आपको हाइलोजन बेस्ड मिलेगा। हेडलैम्प सेटअप जितना भी इसमें है वो सारा आपको हाइलोजन बेस्ड मिलेगा, बट लो बीम के लिए प्रोजेक्टर दिया गया। नीचे लोअर ग्रिल भी मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी। कोई फॉग लैम्प हमें यहाँ नहीं मिलता, फॉग लैम्प हमें ऊपर मिलेगा। मैं कोई फॉग लैम्प बोल गया, नंबर प्लेट की जगह ये टोइंग हुक की जगह इस जगह पे दी हुई है। बाकी गाड़ी आप देख सकते हैं ग्लोसी ब्लैक, इसमें ORBMs दिए हुए हैं। वहीं साइड प्रोफाइल पाएंगे तो अलॉयज दिए गए हैं, अलॉयज में डुअल टोन में दिए गए। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स दिए गए। यहाँ टायर साइज की बात करूँ, इसमें टायर साइज आपको मिल जाता है 165/60/16 का। 5-spoke 4-spoke में अलॉयज है, बीच में टाटा का लोगो दिया हुआ है। फ्रंट डिस्क या ड्रम ब्रेक्स दिए गए। फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा। ORBM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे। और मैं चेक करके बता देता हूँ आपको, हाँ ये एडजस्टेबल मिलेंगे, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे। और विद बट इंडिकेटर यहाँ पे है, और यहाँ थोड़ा गार्निश ट्रीटमेंट मिलेगा। बट ORBM में आपको अगर आफ्टर मार्केट आप कैमरा लगवाना चाहें तो 360 डिग्री कैमरे के लिए यहाँ जगह दी जाती है इसमें ORBM पे अलग से। ये नहीं कि बाहर से परचेज करो, यहाँ कटिंग करा के आप इसमें लगवा सकते हैं। ग्लोसी ब्लैक ग्रिल मिलेगी, ग्लोसी ब्लैक ग्रिल बोल रहा हूँ, ये बीटिंग जो है ये पूरी ग्लोसी ब्लैक मिलेगी। बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, रनिंग बोर्ड इसका बॉडी कलर दिया हुआ है। रियर ड्रम ब्रेक्स है, रियर डोर का हैंडल हमें यहाँ मिलेगा इस जगह पे। ऊपर नॉर्मल एंटीना दिया हुआ है। यहाँ आपको रियर डिफॉगर मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैम्प है यहाँ पे। CNG की बैजिंग, वोकर फॉर लोकल का स्टीकर, वाइपर दिया हुआ है डिफॉगर के साथ। यहाँ पे आपका एल्ट्रॉज की बैजिंग, टाटा का लोगो, रिवर्स कैमरा मिल जाएगा। नीचे 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं। ये आपका LED बेस टेल लैम्प्स यूनिट मिलेगी, ये रिवर्स लाइट हो गया आपका। बाकी रियर लुक आप यहाँ से प्रॉपर देख सकते हैं, ये वाइट और ब्लैक कुछ स्पॉइलर का लुक देने के लिए लगाया गया यहाँ पे। यहाँ पे आपका फ्यूल लाइट हो गया। तो ये तो हो चुका पूरा एक्सटीरियर, अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो उससे पहले आपको की दिखा दें, ये तो हो चुका पूरा एक्सटीरियर, अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। तो पहले की देख लो, कुछ इस तरह की स्मार्ट की मिल जाती है, टाटा का लोगो। यहाँ पे लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए और ये लाइट के लिए, ठीक है लाइट कर देते हैं ऑफ। चलते हैं गाड़ी के अंदर। रिक्वेस्ट सेंसर खाली ड्राइवर साइड दिया हुआ है, को ड्राइवर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह इसमें नहीं दिया गया। यहाँ पे आप देखोगे डुअल टोन के अंदर इंटीरियर है इसका, ब्लैक और बैच कलर के अंदर। यही लॉक के लिए, यही अनलॉक के लिए और यही आपका डोर ओपनर के लिए काम करेगा। चारों पावर विंडोज है, ड्राइवर सिंगल टच सिंगल अप डाउन मिलेगा। बाकी पावर विंडोज दिए हैं, ये ORBM एडजस्ट करने के लिए। चाइल्ड लॉक के लिए ड्राइवर टीम हमारे सॉफ्ट टच में दिया गया। नीचे स्पीकर, वाटर स्पेस मिल जाता। हाइट एडजस्ट के साथ सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, ब्लैक एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट दिया हुआ है, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर लाइट मिल जाती है फुट स्पेस में भी। नीचे डेड पैंडल है, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये फॉग लैम्प्स के लिए, ये गाड़ी लॉक अनलॉक, ये पेट्रोल और CNG स्विच करने के लिए, यहाँ भी स्पेस मिल जाता है। AC वेंट सराउंडिंग ग्लोसी ग्रे ट्रीटमेंट है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। भाई अब आ चुके हैं हम टाटा एल्ट्रॉज एग्जैक्ट CNG के अंदर। तो इंटीरियर देख लो, इसमें भी हमें पॉप अप डिस्प्ले मिल जाती है, हरमन का म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ। भाई गाड़ी का इंटीरियर ना एल्ट्रॉज का पर्सनली मैं बताऊं शुरू से लग्जरी फील कराता है इसका इंटीरियर। जैसे इसमें यहाँ एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह मिल जाती है, अभी ऑन करूंगा तो दिखाऊंगा आपको, तो काफी लग्जरी फील कराता है इस सेगमेंट पे। बाकी स्टेयरिंग देखोगे आप, स्टेयरिंग पे कोई रैप वगैरह नहीं दिया हुआ, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है 3-spoke में। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ मिल जाएगी आपको, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक नहीं है। तो भाई ये तो हो गया स्टेयरिंग एडजस्टमेंट। अब आप स्टेयरिंग देख लो, स्टेयरिंग पे अच्छी ग्रिप वगैरह मिल जाती है हमें। यहाँ पे आपका टाटा का लोगो, न्यू वाला
एयरबैग टोटल इसमें हमें दो मिलते हैं ड्राइवर को, ड्राइवर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिल जाता है थ्री स्पोक में, इस स्पोक पे कुछ नहीं मिलेगा, ये हॉर्न क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता हमें। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिलेंगे आपको सारे, फोन उठाने काटने के लिए, वॉइस कमांड के लिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, सारे कंट्रोल्स वॉइस कमांड वगैरह के लिए यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स मिल जाएंगे इस तरफ, और यही आपका हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए। यहाँ आपको ऑटो वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं जैसे मैंने फ्रंट में आपको बताया था, तो यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। मीटर एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ मैं इसका, जैसे हम ऑन करेंगे तो ये देखिए ये आरपीएम्स है जो ये है, ये बीच में मीटर होगा आपका स्पीड मीटर। यहाँ फ्यूल गेज है, ये ऊपर सीएनजी गेज दिया हुआ, पेट्रोल गेज और सीएनजी गेज दोनों अलग दिए हुए, दोनों जो सिंगल ब्लिंक हो रहे हैं। सीएनजी मोड एक्टिव है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे स्पीड मीटर किलोमीटर वगैरह आपको सब कुछ दिख जाएंगे, और ऑडियो मीटर वगैरह ऊपर टाइम आ रहा, लो फ्यूल की वार्निंग आ रही है, बाकी मीटर वगैरह की, लाइट वगैरह की, बैटरी वगैरह के नोटिफिकेशन सारे कुछ यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ट्विटर मिल जाते हैं आपको, ए पिलर्स पे टाटा की सारी गाड़ियों में मोस्टली यही मिलते हैं हमें, मोस्टली का मिलते हैं ये। हरमन का या म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, 7 इंच की पॉपअप डिस्प्ले दी हुई है, 4 स्पीकर्स के साथ, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले मिल जाएगा इसमें, बट यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होगा वो। यहाँ पे आपका एसी वेंट्स हो गए, सराउंडिंग यहाँ मैट गार्निश दी हुई है, बीच में हजार लाइट का बटन, यहाँ एल्ट्रोस की बैजिंग दी हुई है, और ये जब ऑन होगा जैसे मैं घुसा था तो यहाँ एम्बियंट लाइटिंग मिलती है हमें, देखो जैसे हम इसे खोल देते हैं और वापस बंद करूंगा अभी इतनी होगी, इस जगह पे आपको ब्लू कलर की एम्बियंट लाइटिंग मिलती है, वो शायद लाइट के साथ ही ऑन होगी, ठीक है। यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है, यहाँ कुछ कुछ ग्लोसी ग्रे ट्रीटमेंट दिया गया है डैशबोर्ड में ब्लैक के साथ, और यहाँ भी ब्लैक है, बीच में पूरा ग्रे दिया गया, और यहाँ फिर से ग्लोसी ग्रे लग, मतलब तीन तरह ये का ना, तीन कलर का एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ये भी ग्लोसी ग्रे है, ये बिल्कुल ग्लोसी क्या हुआ है, ये थोड़ा मैट में बोल सकता है, और ऊपर ब्लैक है। यहाँ एल्ट्रोस की बैजिंग है, यहाँ आपका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी हुई है इस जगह पे, एमआईडी वगैरह नहीं मिलती, बाकी कंट्रोल यूनिट ऑटो मिलेगी आपको, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलेगी। यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा इस जगह पे, यहाँ पे आप 12 वोल्ट का सॉकेट लगा सकते हैं। टाइप सी यूएसबी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा गियर कंसोल में, यहाँ भी आगे जगह मिलेगी। 5 गियर के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा सीएनजी वेरिएंट में हमें। 2 कप होल्डर्स ये यहाँ पे हैं आपके, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट है, स्पेस थोड़ा बहुत है, मैनुअल हैंडब्रेक्स दिए हुए हैं, ग्लो बॉक्स आपका यहाँ से ओपन होगा, और यहाँ भी आपको मोड़ बना हुआ मिलेगा, सीएनजी है तो यहाँ पिकॉक बनाया हुआ है। 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं इसके अंदर भी, और पेपर वगैरह भी आप अलग से कैरी कर सकते हैं। अंदर लाइट भी दी हुई है इसमें, ऊपर मैनुअल डिमिंग आईआरबीएम्स है यहाँ पे, ये रीडिंग लाइट वाइट मिलेगी आपको। यहाँ स्पेस मिल जाता है, टिकट वगैरह कैरी कर सकते हैं आप। यहाँ माइक्रोफोन दिया गया है, वेंटीमीटर मिल जाएगा सनवाइजर में, को ड्राइवर साइड, ड्राइवर साइड खाली टिकट होल्डर दिया गया, बाकी ये तो हो चुका पूरा ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं एक बार पैसेंजर सीट्स पे, एसेसरीज मोड कर देते हैं इसका ऑफ और आ जाते हैं बाहर निकल के, तो इस साइड से आ जाते हैं हम दूसरी साइड से, क्योंकि यहाँ कस्टमर्स हैं, तो यहाँ से डोर ओपन करेंगे हम। ब्लैक और वेज कलर के अंदर इंटीरियर है पूरा, जैसे मैंने बताया आपको, यही लॉक करता है, यही अनलॉक और यही डोर ओपनर है। गिलास अप डाउन करने के लिए, स्पीकर, और यहाँ पे वाटर बॉटल स्पेस दिया हुआ है। पीछे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, ये आप ओपन करोगे तो आर्मरेस्ट मिलेगा, कप होल्डर्स वगैरह तो नहीं दिए हुए इसमें। यहाँ पे 2 AC वेंट है, एक आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, रीडिंग लाइट आ गई है, दोनों तरफ ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं, और अब आ जाते हैं हम इसके पीछे, यहाँ इलेक्ट्रिक बटन से बूट गेट ओपन हो जाएगा आपका। 200 समथिंग लीटर का इसमें हमें बूट स्पेस मिल जाता है, क्योंकि सिलेंडर यहाँ मिलते हैं हमें, 30-30 लीटर वाटर कैपेसिटी के 2 सिलेंडर मिल जाते हैं। बाकी पास एल्ट्री है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं, हैंग करना चाहते हैं या एक जगह रखना चाहते हो आप पे डिपेंड करता। बूट स्पेस आप इसका एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये सीट फोल्ड हो जाएगी आगे तक और बूट स्पेस और एक्सटेंड हो जाएगा। बाकी अगर आप फुल स्पेस में चल रहे हैं तो यहाँ आप अपना लगेज कैरी कर सकते हैं। जैसे इसका बोनट ऊपर करेंगे, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग दी गई है, 1.2 लीटर का सीएनजी पेट्रोल इंजन मिल जाएगा इसमें, 3 सिलेंडर 4 वाल्व जो कि 72 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा सीएनजी के अंदर, टॉर्क जनरेट करेगा 103 Nm का, 26.2 किलोमीटर पर लीटर की एआरआई के अकॉर्डिंग कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है। अल्ट्रा सीएनजी की 1572 फुल टैंक पावर चल सकती है 1572 किलोमीटर। 5 गियर के साथ ही मिलती है, 165 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है, और अगर
बूट स्पेस की बात करो तो 210 लीटर का इसमें हमें बूट स्पेस मिल जाता है। मैंने 200 समथिंग लीटर ही। तो भाई ये था टाटा एल्ट्रोज एक्जेट ICNG का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।